इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्याम चरण गुप्त ने यूपी दिवस के कार्यक्रम में अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। श्याम चरण गुप्त ने कहा कि यूपी सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस कारण विकास में बाधा आ रही है और प्रदेश सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बालू आजकल मिल रहा है, ये जो तालमेल बजट का नहीं हो रहा है, इसको भी सुधारने की आवश्यकता। और ये बालू अब इसका जिम्मेदारी प्रशासन की है कि शासन की है कि सरकार की है कि मेरी है कि आपकी है, चिंतन की जरूरत हो, वरना मिशन फेल हो रहा है। हमारा उद्देश्य, हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य, हमारे मुख्यमंत्री का उद्देश्य, इसमें जो बाधाएं आ सकती हैं, आने वाली हैं, आएंगी, इस पर भी चिंतन करते रहना चाहिए। सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि सांसद श्याम चरण गुप्त ने पहले यूपी दिवस के मौके पर कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया है। इलाहाबाद से सैयद रजा, पंजाब केसरी टीवी।